कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन में पुलिस कर्मियों के कार्यों की लगातार सराहना हो रही है। इस दौरान पूरे प्रदेश में पुलिस की छवि बदल गई है। इसी कड़ी में रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में थाना चौक पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस कर्मियों की पैर पूजाई की गई, साथ ही उनके कदमों पर फूल भी बिछाए गए। यही नहीं, उन पर फूल बरसाए भी गए। दरअसल महिला सशक्तिकरण मोर्चा की अध्यक्ष गीता आर्या ने रोहतास एसपी से अनुमति लेकर थाना चौक पर महिला तथा पुरुष पुलिस कर्मियों का सम्मान किया, उनके कदमों में फूल चढ़ाए, साथ ही उनकी पैर पूजाई भी की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। पुलिस कर्मियों की पैर पूजाई करने वाली महिला गीता आर्या ने बताया कि आज जब पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, पूरा देश लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में अपने परिवार और बच्चों के साथ हैं, ऐसे में पुलिस कर्मी रात दिन विधि व्यवस्था बनाए रखने में लगे हैं। यह लोग जनता की मदद कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों की तमाम छुट्टियां रद्द हैं, होटल रेस्टोरेंट सब बंद रहने के कारण इन लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत हो गई है, लेकिन फिर भी तमाम असुविधाओं के बीच हमारी पुलिस कर्मी मानवता की सेवा में लगी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक रूप से इन पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तीन ही तो लोग हैं जो देश में आज जीवन और मृत्यु से खेल करके हम लोगों को बचा रहे हैं, डॉक्टर, प्रशासन और हमारे सफाई कर्मचारी, जो हमारे लिए मर रहा है, अपना बाल बच्चा सब कुछ घर द्वार छोड़ करके। ये छुट्टी भी इनकी रद्द हो गई और ये दिन रात हम लोगों को लॉकडाउन में हम लोग बंद हैं, लेकिन ये बाहर रह करके आज जनता का सेवा कर रहे हैं कि रोग आगे फैलने मत पावे, लोग फालतू भीड़ न लगाने पावे, ये सब कुछ देखते हुए आज ये दिन हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ना रात ना दिन इनका इनको चैन नहीं है। तो जो अपना परिवार बाल बच्चा छोड़ के घर द्वार छोड़ करके हमारे लिए कर रहा है, तो हम इनको सम्मान करने के लिए ठानी। लेकिन एसपी साहब का आदेश था कि डिस्टेंस को देखते हुए माला वगैरह नहीं पहनाना है, तो मैंने सोचा कि इनके कदमों में ही फूल बिछा दिया जाए।